एक साल में पहली बार ऐसा मौसम एक इक्तिसादी बड़े पैमाने पर तासुब के बावजूद के कुरा अर्ज पर रोबोटिक्स के अहम प्रोड्यूसर है। एशियाई ममालिक बिलखसूस जापान और जनूबी कोरिया ईरान अपना जदीद तरीन मुतारफ कराने में कामयाब हो गए हैं। दुनिया के लिए एक ह्यूमना रोबोट का वर्जन डिवाइस को जदीद निजामों और टेक्नोलॉजीज के मरकज की दीवारों के अंदर तैयार किया गया था। तेहरान यूनिवर्सिटी में और मुनफरिद ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियत रखती है जो लाती है। मैकेनिज्म इंसानों के करीब है। इंसान नुमा रोबोट सरीना, जिसे मुकम्मल तौर पर ईरानी डेवलपर्स ने डिजाइन किया है, इसे लिखने के काबिल है। नाम, एक टांग पर तवाजुन रखना, पानी की बोतल पकड़ना, दीवार में सुराख करना और यहां तक के किसी के साथ सेल्फी लेना। दिलचस्पी है, जैसा कि पोर्टल इनवर्स काम ने दावा किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर उगयुस्फी कोमा तहकीकी ग्रुप की क्यादत कर रहे हैं। रोबोट बनाने पर काम किया, यकीन है कि मैं सबसे अहम उसूलों में से एक। मुस्तकबिल की मसनूई जहानत की तरक्की रोबोट के साथ तामुल को बेहतर बना रही है। माहौल, इस हकीकत के बावजूद कि सरीना 4 बोस्टन के रोबोट अटलस की तरह पार्कोर में मशगूल नहीं हो सकती है। डायनामिक्स ने एक बार किया, आला पहले से बेहतर तवाजुन कर सकता है, एक बड़े के साथ बातचीत कर सकता है, अशिया की तादाद और ज्यादातर कामों को अंजाम देने के काबिल है जो एक औसत फर्द कर सकता है। डेवलपर्स का दावा है कि उनके बनाए हुए रोबोट की जाहिरी शक्ल एक अलामत की नुमाइंदगी कर सकती है। अमन और इंसानियत की तरफ तकनीकी तरक्की। अमेरिकन एरोस्पेस कारपोरेशन ARCA स्पेस कारपोरेशन ने पहला कामकाज बनाया है। एक डिवाइस का प्रोटोटाइप फिल्म के हुअर बोर्ड की तरह मुस्तकबिल के हिस्से 2 पर वापस। आर का बोर्ड हुअर बोर्ड 30 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर किसी भी सतह के ऊपर मंडला सकता है। हुअर बोर्ड 36 इंजनों से पैदा होने वाले जोर की बदौलत उड़ता है। उनकी कल ताकत 270 हॉर्स पावर से ज्यादा है, जिससे वो वजनी मुसाफिर को सहारा दे सकते हैं 110 किलोग्राम तक। ताहम कारकर्दगी के लिहाज से यह आला कामिल से दूर है। फुल चार्ज परवास के सिर्फ 6 मिनट तक रहता है। चार्ज करने के अमल में पूरे 6 घंटे लगते हैं, लेकिन इसे खरीद कर 35 मिनट तक कम किया जा सकता है। एक डॉकिंग स्टेशन। हुवर बोर्ड का वजन 80 किलोग्राम से ज्यादा है। इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। आर का बोर्ड को जिस्म की नकलो हरकत और स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। डेवलपर के मुताबिक यह बोर्ड एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मवाद के लिए बनाया गया है। इस तरक्की की लागत तकरीबन $20,000 है। मैन्युफैक्चरर्स तंदही से अपनी ईजाद को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। वो खुलूस दिल से यकीन रखते हैं कि मुस्तकबिल में ARCA बोर्ड न सिर्फ शहरी की जगह लेगा, बहुत से लोगों के लिए नकल व हम बल्कि एक मकबूल खेल बन गया। ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि एक दहाई या इससे ज्यादा अरसे में हुवर बोर्डिंग स्टेडियमों को मुकम्मल जमा कर देगी। खिलाड़ियों को फिजाई एक्रोबेटिक्स का मुजाहरा करते देखने के शौकीन शायकीन की तादाद। RX-03 नामी रोबोट जापानी गेंडे के चुकंदर से मुतासिर है, एक कीड़े। जापान का आबाई। ये 11 मीटर लंबा है, लंबाई 3.6 मीटर है, वजन 17 टन है और खसूसियात की एक रेंज, जैसे 6 टांगों पर चलने की सलाहियत। हालांकि RX-03 भी पहियों की मदद से इसके सर से भाप निकल सकती है। ताहम टांगे बुनियादी तौर पर दिखाने के लिए हैं, क्योंकि उनके नीचे के पहिए दर हकीकत इसकी हिमायत करते हैं। RX-03 अगरचे टांगे रोबोट की हरकत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अवामी परफॉर्मेंस के दौरान रोबोट $2 की फीस में 7 मुसाफिरों को ले जा सकता है। ये भी होमित मुकम्मल तौर पर सफर के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 4.5 मील है फी घंटा। बड़े पैमाने पर रोबोट को ताकत देने के लिए RX-03 2 डीजल अंदरूनी दहन इंजनों से लैस है, जिसे एटोकेबन से चलाया जा सकता है, खलाई जहाज जैसे कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ मुकम्मल या दौर से एक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए। RX-03 खुद पायलट करने के काबिल नहीं है, लिहाजा उसके काबू से बाहर होने का कोई इम्कान नहीं है, या आजादाना तौर पर काम करना। R11 ह्यूमना रोबोट है, जिसे मुख्तलिफ हालात में लोगों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे तैयार किया गया है इतालवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। R1 रोबोट में एक जदीद डिजाइन और बुलेट इन मसनूई जहानत है, जिसकी इजाजत मिलती है लोगों और अशिया को पहचानना। आधा प्लास्टिक और आधा कार्बन फाइबर और धात से बना R1 आउमनाड 1.25 मीटर पर खड़ा है। लंबा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने धड़ को 20 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकता है और उसमें टांगों की बजाय पहिए हैं। रोबोट का वजन तकरीबन 50 किलोग्राम, तकरीबन 10 पाउंड है। इसके इस्तेमाल में मुअम्मर अफराद या माजूर अफराद की मदद शामिल होगी। रोबोट 28 मोटर से लैस है, जो सैकड़ों मुख्तलिफ हरकत को काबिल बनाता है। मुकम्मल खुद मुख्तारी।
मुस्तकबिल में रोबोट को मसनी झिल्ली से लैस करने का मंसूबा है जो काम करेगी। जिल्द के तौर पर रोबोट को राब्ते का एहसास करने की इजाजत देता है। रोबोट जुबान को समझ सकता है और उसकी तर्जुमानी कर सकता है और साथ ही इस पर इन्हिसार करते हुए आजादाना तौर पर जवाब दे सकता है। सूरतेहाल पर इसके दिमाग पर मुश्तमिल जदीद तरीन सेंसर्स की बदौलत, दो रंगीन कैमरे और खसूसी 3D सेंसर, R1 अब तक के सबसे पेचीदा और जदीद तरीन रोबोट्स में से एक है। अमरीकी इंजीनियर कियाही सेमोर ने बायोनक जूते बनाए हैं जो कि गैर एथलेटिक तक की इजाजत देते हैं। अफराद 40 किलोमीटर फी घंटा 24 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इस रफ्तार से साइकिल सवारों के साथ भी मुकाबला मुमकिन हो जाएगा, खास तौर पर इस दौड़ को मद्देनजर रखते हुए। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि कच्चे खतों पर भी किया जा सकता है। इस नाकाबिल यकीन जूते के दिल में जदीद हल है जो किसी भी शख्स की इजाजत देते हैं चलाने की रफ्तार को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। बायोनक जूते इस तरह काम करते हैं, हर कदम के साथ जूते स्प्रिंग होते हैं जो रनर को इजाजत देते हैं बड़ी बाउंडेड कदम उठाने के लिए। ये वही है जो तेज रफ्तार तहरीक को काबिल बनाता है। इंजीनियर अपने जूते में एक खास चौड़ा प्लेटफॉर्म शामिल करता है जिससे न सिर्फ हरकत होती है ठोस सतहों जैसे अस्फॉल्ट सड़कों पर बल्कि बजरी, नाहमवार और पथरीली खतों पर भी। बिलाशुबा इस मजजाती जूते के इस्तेमाल में एहतियात की जरूरत है। सबके बाद इस तरह की रफ्तार पर तेजी से रुकना बहुत मुश्किल है और 40 किलोमीटर पर गिरना 3 घंटा जख्मी हो सकता है। फी अलहाल इंजीनियर अपनी इजाद को बेहतर बनाने का ख्वाब देखता है ताकि रफ्तार से नकलो हरकत को मुमकिन बनाया जा सके। 70 किलोमीटर फी घंटा 43 मील फी घंटा, लेकिन यह मुस्तकबिल में है। फी अलहाल कोई भी दिलचस्पी रखने वाला यह मॉडल $265 में खरीद सकता है। बीम एक टेलीप्रिजनस रोबोटिक निजाम है जो मुनासिब टेक्नोलॉजीज के जरिए तैयार किया गया है जो टेलीपोर्ट कर सकता है आपको एक दूर दराज मकाम पर। आपको घूमने फिरने और लोगों से बातचीत करने की इजाजत देता है। रोबोट को कंट्रोल करना आसान है और इसमें सारिफ के राबते को बढ़ाने के लिए एक बड़ा डिस्प्ले है। बीम प्रो मॉडल एक ही चार्ज पर 8 घंटे तक काम कर सकता है जिसके बाद यह खुद मुख्तार है। डॉकिंग स्टेशन पर वापसी, इसमें 17 इंच स्क्रीन, 3x जूम के साथ एक HD कैमरा, एक नेविगेशन कैमरा, एक स्पीकर और 7 माइक्रोफोन। दुरुस्त नेविगेशन रोबोट को रुकावटों के गिर्द घूमने फिरने और मखसूस लोगों को तलाश करने के काबिल बनाती है। एक इमारत में सारिफीन रोबोट को कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए घूमते फिरते और बातचीत करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इंटरफेस के जरिए माहौल के साथ। ये 134 सेंटीमीटर लंबा है, इसका वजन तकरीबन 30 किलोग्राम है और उसकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा है 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। मॉडल के लिहाज से कीमत $2000 से $15000 तक होती है। ये प्रामर V2 रोबोट है जो एक हकीकी इंसान की तरह साइकिल चला सकता है। जापानी रोबोटिस्ट मासाहेको आमोगोची ने तैयार किया प्रामर V2 साइकिल रोबोट हो सकता है। साइकिल पर सवार दुनिया का पहला मनी रोबोट बने जो इंसान की तरह पैडल चलाने की सलाहियत रखता है। साइकिल को हरकत में लाने और स्टेयरिंग कंट्रोल के साथ अपना तवाजन बरकरार रखने के लिए असिस्टेड एक मरबूत गारोस्कोप के जरिए 39 सेंटीमीटर लंबा और 1.6 किलोग्राम वजनी छोटा ह्यूमना रोबोट दरअसल है। साइकिल के साथ एक इकाई मजीद बरा यह पाया गया है कि प्रोग्राम की रफ्तार के मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार रुकावटों और दीगर मुमकिन खतरात पर काबू पाने की सलाहियत के साथ साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीस फासले का दुरुस्त तयन करने के लिए करीब आने वाली अशिया का पता लगाना, किसी चीज को मुंतकिल करने के लिए दरकार रोबोट को सही मानों में एक मुकम्मल प्रोग्राम शदा रोबोट कहा जा सकता है। मुस्तकबिल में ये खेलों का सबसे ज्यादा मतलूब रोबोट अतकसीम के लिए एक अच्छा रोबोट बन सकता है। सड़कों पर अखबारात और मील। सरगेई गोड्फ नामी कतार के एक इंजीनियर ने एक किस्म का और मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया साइकिल जो मामूल के मुताबिक चलती है, यहां तक कि सोचा कि पिछला पहिया एक पहिए के दो हिस्से हैं। अलग अलग पहियों वाली साइकिल आम साइकिल से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती। दरहकीकत यह सड़कों पर आसानी से सफर करता है और बगैर किसी तसादुम के रुकावटों पर भी काबू पाता है। जो चीज उसे मुनफरिद बनाती है वो है पिछले पहिए की जगह का तयन। रेगुलर सिंगल रेयर व्हील की बजाय पिछला पहिया आधे हिस्से में तकसीम होकर नामुकम्मल बन जाता है। दायरा सिपलेट व्हील वाली साइकिल किसी भी खिता हमवार सतहों पर बिल्कुल अच्छी तरह से चलती है। ऊंची और निचली सतहों पर ऐसी साइकिल से आप आसानी से सीढ़ियां उतर सकते हैं। ताहम वजन इस साइकिल के डिजाइन की अहम खामियों में से एक है। सिपलेट व्हील्स वाली साइकिल को जखीरा करने के लिए ज्यादा जगह दरकार होती है। वीडियो से पता चलता है कि सिपलेट व्हील अपना काम अंजाम देता है
हालांकि उसे एक वसी साइकिल की जरूरत होती है। पहिए के दो हिस्सों को एडजस्ट करने के लिए फ्रेम। आज की वीडियो में से किस रोबोट ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, तबसरे में अपनी राय का इश्तराक करें। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया और दिलचस्प मिला। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पसंद करना ना भूलें और मून भाई टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारी पिछली वीडियोस भी देखें। खुदा हाफिज़।